नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिला इन दिनों विकास के साथ साथ महिला अपराधों के लिए भी जाना जा रहा है। यहां आए दिन महिलाएं, युवतियां और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात सामने आती रहती हैं। दरअसल यह मामला 11 नवंबर का है, जब एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई, जिसका अबॉर्शन कराया गया और अब एक बार फिर नाबालिग की हालत बिगड़ी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा जिले के जनेही थाना क्षेत्र अंतर्गत शादी का झांसा देकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। दुष्कर्म की वारदात के बाद नाबालिग की हालत अत्यंत गंभीर हो गई। पुलिस अधीक्षक को जानकारी होने के बाद महिला पुलिस टीम के द्वारा किशोरी को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना जनेह थाना क्षेत्र की है, जहां मुख्य आरोपी नाबालिग किशोर ने किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। वहीं किशोरी के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद आरोपी उसे छोड़कर भाग गया, जिसकी शिकायत बीते 11 नवंबर को जनेह थाने में दर्ज कराई गई थी। इस मामले पर पुलिस ने मुख्य आरोपी नाबालिग किशोर सहित वारदात में लिप्त राम प्रकाश रावत और दो अन्य को आरोपी बनाया है। जानकारी के मुताबिक अबॉर्शन के बाद नाबालिग किशोरी की हालत नाजुक हो गई है, जिसकी जानकारी होने के बाद रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशन में महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा किशोरी को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी को पहले ही पकड़ा जा चुका है और अभी भी तीन आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। घटना के संबंध में नाबालिग की मां ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी के साथ उसके पिता, भाई और बहन भी इस वारदात में शामिल थे। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर पीड़िता की माँ को उनका क्या कुछ कहना है। सर, हमारे बच्ची के साथ घटना हुई है, वो जब उसका नाम ही नहीं। सर, नाम ही नहीं याद आ रहा है। चार लोग थे, मतलब उसके पिताजी थे, उसका भाई था और उसकी बहन थी। अभी क्या दिक्कत आ रही है? सर, हमारे बच्ची के हाथ का ब्लेड रुक गया था, यहाँ वो करवाते तो दिक्कत हो गई है। यहाँ अभी मतलब क्या, अभी इलाज के लिए लाई हैं? हाँ, यहाँ इलाज के लिए लाए हैं। दिक्कत हो रही है? हाँ, हमारे बच्ची को दिक्कत हो रही है। पहले इसका एबॉर्शन भी हुआ था? हाँ, सफैया करवाए थे यहीं इसी अस्पताल में। घटना कितने लोग किए थे? घटना तो खाली एक लड़का किया था, लेके गया था शादी के झांसा देके। हाँ। कितने साल की बच्ची है? लगभग 14 साल की। हाँ, आधार कार्ड है इसके पास। ये चार लोग कैसे आरोपी हुए उसमें? चार लोग ऐसे आरोपी हुए कि वो हमारे बच्ची को का कहा था, ले गया था झांसा दे के, अपने घर ले गया था। ले जाने के बाद वो लड़का छोड़कर भाग गया था, तो अपने घर पे उसका पिताजी और उसकी बहन, उसका भाई परेशान करते थे, हमारे बच्ची को जान से मारने को धमकी देते थे, जान से मार देंगे, यहाँ की बात किसी को बताई तो।